दोस्तों अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है, खूबसूरत महीना होता है। ये महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव के समर्पित माना जाता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारते हैं, भोले बाबा उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों सावन का महीना 2023 4 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। ये दिन साफ साफ मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। दोस्तों 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह में इस पर शिवजी जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सोमवार व्रत हैं। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत। सावन मास में माल मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथे सोमवार का व्रत 31 जुलाई, पांचवे व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार 28 अगस्त को रखा जाएगा। चंद्रमास 354 दिनों का होता है, वही सौर मास 365 दिन का। दोनों में करीब 11 दिन का अंतर रहता है और तीसरे साल ये अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाले हैं, यानी 58 दिन ना कम ना ज्यादा। भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाइए। आपको बता दें ये शुभ संयोग पूरे 19 सालों बाद पड़ रहे हैं। दरअसल इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहने वाला है। दोस्तों सावन का पहला सोमवार कब है? सावन के महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 30 अगस्त बुधवार के दिन। सावन के समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में 5 गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीजें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, घोर पाप लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में व्रत विधि और शिवलिंग पूजा कैसे करें और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सावन सोमवार व्रत विधि। सावन सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें, साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं। और चाहे कुछ भी हो जाए शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता गलती से भी ना चढ़ाएं, नहीं तो हो जाएगा सब उल्टा। पंचामृत से रुद्र अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन, चावल चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं। धूप दीप से गणेश जी की आरती करें और आखिरी में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद बांटें। दोस्तों सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती है, इसलिए देख कर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुंह में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैंगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रहनी चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते हैं तो भगवान से हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाते हैं। सावन के पवित्र महीने में रोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। दोस्तों सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, लहसुन प्याज कभी मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में इनको सावन के महीने में खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य की चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल नाखून शेविंग आदि भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है, वो जल्दी ही करोड़पति बन जाता है क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है।
सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटें। उस व्यक्ति को भगवान शिव पल भर में धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दें। गूंगे जीव को भोजन अवश्य कराएं। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो या उस जीव के रूप में भगवान शिव हो सकते हैं। शिव किसी भी रूप में आ सकते हैं आपकी परीक्षा लेने, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास में 5 चीजें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। शिव जी होते हैं नाराज, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते नहीं ले जाने चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ भी कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर में बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो जाती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन एक हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता है। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग की तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसमें स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसे दुष्ट स्वभाव बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत हो, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए।
दरअसल इस फल का नाम ही नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपति का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपति नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, कुट्टू या सिंगाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन, कीड़े वगैरह आदि पड़ जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, और ऐसा आटा खाने से दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं। व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो सकता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए, लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस पवित्र महीने में 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित, ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते हैं महादेव। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, खासतौर से पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते हैं। ऐसे में आप दूर रहे, बगैर साथ फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़ा इस व्रत को नहीं कर सकता। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाई है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लेकर ही इस व्रत को भलीभांति किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में हमेशा दूर रहे, ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप सावन का व्रत कभी ना रखें। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं महादेव और उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करें। अगर आपका मन सच्चा है तब भी शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं उन्हें एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहता है पति पत्नी जब साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं, दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। दोस्तों नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को कभी गलती से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, ये गलती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुमारी कन्याओं को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों वहीं इस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार हो, यह व्यक्ति गालियां स्त्रियों को देता हो, तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते, ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों नंबर 6, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्या जरूर रखें। खासतौर से सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों नंबर 2, सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में शिवलिंग दिखाई दे जाए या भगवान शिव दिखाई दे जाए, जिससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा।
भगवान शिव आपके सच्ची आराधना सच्ची भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम जी ने नीलकंठ के दर्शन करने के बाद रावण पर विजय प्राप्त की। दोस्तों नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तब महादेव किसी खास अवसर पर अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। ये वही महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चे भक्त हो, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दी जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। दोस्तों महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।